हेलो फ्रेंड्स, अमूल पेज पे आज सबका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, अमूल पेज पे आप सबका स्वागत है। आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। हेलो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। अमूल पेज पे आप सबका स्वागत है। सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। माई सेल्फ नीरजा और लखनऊ इंदिरा नगर से आज मैं फिर आपके समक्ष एक अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। हाँ जाइए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक अच्छी 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 सी रेसिपी लाई हूँ, स्वीट पोटैटो के रसगुल्ले बनाना। तो जिसको कि हम लोग शकरकंद के नाम से भी जानते हैं, और इसकी खासियत जो है जानकर आप भी हैरान होंगे कि शकरकंद जो है आलू की वैरायटी का होता है, परंतु उसका स्वाद है बहुत ही अनोखा होता है और उसको खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम जो है शकरकंद के बारे में बताएंगे कि शकरकंद जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक मिनट, शकरकंद जो है आंखों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। ये कई बीमारियों में जो है शकरकंद जो है फायदा करता है। इसको लोग विभिन्न विभिन्न तरह से यूज करते हैं, जैसे कि कुछ लोग इसको सब्जी बनाते हैं और इसको जैसे कि भरवा उसकी फीलिंग करके भी बनाते हैं, और बहुत लोग इसकी जो है मिठाई बनाते हैं, हलवा बनाते हैं। तो यहाँ तक कि ये शकरकंद जो है बहुत ही अच्छा है, ये हेल्थ के लिए कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह में बहुत ही फायदा करता है, वेट लॉस में भी फायदा करता है, शुगर डायबिटीज़ वगैरह में भी बहुत फायदा करता है। और कहते हैं कि जो इसकी जो शकरकंद है स्वीट पोटैटो, इसका जो छिलका होता है, वैज्ञानिकों ने बताया है कि जो इसका छिलका होता है ये कैंसर जैसे रोग में बढ़ने से रोकता है। तो मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि इससे क्योर किया जा सकता है, परंतु ये है कि इसका कुछ हद तक हम लोग अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो अपनी रेसिपी में हमारी क्या क्या चीज़ें यूज होंगी चलिए हम बताते हैं। तो देखिए हमारी रेसिपी में देखिए क्या क्या आज हम यूज करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले देखिए हमने स्वीट पोटैटो लिए हुए हैं, इसको शकरकंद बोलते हैं। ये हमने देखिए उबाल लिया है, उबाल कर रखा हुआ है, और इसमें इसमें यूज करेंगे हम थोड़ा सा खोआ लिया हुआ है हमने, और ये नारियल लिया हुआ है। नारियल को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में ग्रेट कर लिया है, और कुछ ये ड्राई फ्रूट्स हैं इनको भी मैंने ग्रेट कर लिया है, और ये हमने इलायची पाउडर लिया हुआ है। ये इलायची पाउडर को हमने कूट के पीस लिया है थोड़ा, और जो हम इसकी फीलिंग बनाएंगे उसमें हम चीनी की जगह खजूर का यूज करेंगे। ये खजूर हमने लिया है, और ये खाने वाला सोडा है, इसका हम यूज करेंगे बहुत ही थोड़ा सा, जिससे कि हमारे जो रसगुल्ले बनेंगे वो काफी फ्लफी और फूले बनेंगे। और चाशनी बनाने के लिए हमने ये शुगर चीनी ली हुई है, इसका भी यूज करेंगे। और इसमें जो है थोड़ा सा हम आप मैदा भी ले सकते हैं। ये मैंने गेहूं का आटा यूज किया है। इसमें जो है हम रसगुल्ले बनाएंगे उसमें जो बाइंडिंग के लिए, उसमें हम ये गेहूं के आटे का यूज करेंगे। और ये हमने अमूल का देशी घी लिया हुआ है,
और अमूल का हमने दूध भी लिया हुआ है। तो सबसे पहले चलिए हम ये अमूल की टीम को धन्यवाद देंगे, जो जिन्होंने होम मेकर्स के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग अपनी नई नई रेसिपी जो है और लोगों तक पहुंचाते हैं, और लोगों की रेसिपी हम लोग नई नई रेसिपी को देख पाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसी के साथ हम अमूल की टीम को धन्यवाद बोलेंगे, और जिस जिसने भी हमें ज्वाइन किया है वो उनको भी थैंक यू। तो आप हमारी लाइफ में बने रहिए, और चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने सबसे पहले हम फिलिंग तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हम फिलिंग के लिए हम थोड़ा सा कोकोनट को भून देते हैं, कोकोनट को हल्का सा फ्राई कर देते हैं, तब तक आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल घी डाल दिया, अमूल का घी डाला। थोड़ा सा घी डालेंगे, और ये हमने जो नारियल है, नारियल को हल्का सा इसमें रोस्ट कर लेंगे। ऑयल देखिए, हमारा जो है घी गरम हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले नारियल को भून लेते हैं, बहुत ही हल्का सा रोस्ट कर लेंगे नारियल को। देखिए, नारियल हमारा भून रहा है। ये जो है हम नारियल इसलिए भून रहे हैं कि हम जो है इसकी फीलिंग तैयार करेंगे, जो हम स्वीट पोटैटो के जो रसगुल्ले बना रहे हैं उसकी फीलिंग तैयार कर रहे हैं। यूसुफ जी हेलो, जॉय जी हेलो, ये मैं शकरकंद के रसगुल्ले बना रही हूँ। और देखिए, नारियल हमारा भून गया है। अब हम इसमें अमूल का दूध दूध को ऐड कर देंगे, या अमूल का दूध है इसको इसमें ऐड कर देंगे, और इसको पकने देंगे। गैस को स्लो कर देंगे और ये पकने देंगे, इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। तब तक हम अपना शकरकंद का मिक्सचर तैयार करते हैं। ये देखिए, शकरकंद है, और इसको पहले छील लेते हैं। शकरकंद है ये, शकरकंद को कई लोग स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं, शकरकंद के नाम से जानते हैं, और ये जस्ट लाइक आलू की वैरायटी भी होता है आलू की तरह, पर स्वाद इसका आलू से बहुत ही अच्छा डिफरेंट होता है, और ये काफ़ी मीठे होते हैं। मार्केट में ये दो तरह से आते हैं, एक वाइट कलर के भी आते हैं, और एक ये जो है प्याजी कलर के आते हैं। तो प्याजी कलर वाले जो शकरकंद होते हैं बहुत ही मीठे होते हैं, और बहुत लोग इसका हलवा भी बनाते हैं, सब्जी भी बनती है इसकी, तो आप इसको जिस तरह से भी खा सकते हैं, खाया जा सकता है। तो ये मैंने अपना जो है, मैं इसको रसगुल्ले बना रही हूँ, बहुत ही यम्मी रसगुल्ले बनते हैं। तो ये देखिए, वर्ल्ड ये हैं, इनको हम छील लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा रेसिपी में, क्योंकि अभी हमारा फीलिंग तैयार होगी, फिर उसके बाद चाशनी बनेगी, फिर इसको हम शकरकंद को तलेंगे। तो आप लोग, सब लोग बने रहिए,
ये देखिए शकरकंद को हमने छील लिया है, अब इसको अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। दीपमाला जी हेलो, कैसे हैं? ये देखिए हम शकरकंद के रसगुल्ले बना रहे हैं, आप लोग जुड़े रहिएगा एंड तक। देखिए मैंने मैश कर लिया है, अब हम इसमें क्या है, इसको अच्छे से मैश कर लीजिएगा जिससे कि इसमें कोई भी मतलब दाने ना रहें। ये खूब अच्छी तरह से इसको मैश कर लेंगे। इसको भी बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब आप सोचेंगे कि मैंने 2 शकरकंद लिए हैं, तो ये 200 ग्राम के करीब था, 1 शकरकंद 100 ग्राम का था। तो इसको हम क्या करते हैं, 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे 3 भागों में हमने डिवाइड कर लिया, और इसका एक भाग जो होता है वो मैं आटा ले लूंगी। यही मेजरमेंट है, इससे ये मेजरमेंट करने से क्या है कि जो भी आपने इसमें जो भी जो बाइंडिंग के लिए सामान मिलाया है उसका जो है एकदम सही रहता है, फैलेगा नहीं आपका। तो अब हम इसमें इसी के हिसाब से आटा ले लेंगे। ये मैंने गेहूं का आटा यूज किया है इसके अंदर, आप मैदा भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 2 2 ढाई 3 चम्मच मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, और इसमें हम थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालेंगे। ये देखिए बहुत ही थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालना है, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे, और इन सबको आपस में मिलाकर एक डो तैयार कर लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। और अगर आप बहुत ज्यादा टाइट लगे तो हल्का सा आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब आधा चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। वैसे ये इसमें जो है आटा जो है हिसाब से डालेंगे तो आपका जो ये जो डो है बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। ये देखिए डो हमारा बनकर अच्छे से तैयार हो गया है, और इसको 5 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। हल्की सी इसमें ऑयलिंग करके ऑयलिंग कर देंगे, और इसको 5 मिनट के लिए इस डो को रख देंगे। जब तक हमारी ये फिलिंग देखिए तैयार हो रही है, ये हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। और ये देखिए फिलिंग हमारी तैयार हो रही है, इसमें हमने थोड़ा सा अमूल का खोआ है, खोए को भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये इलायची पाउडर है हमारा, थोड़ा सा हम इलायची पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हम जो चाशनी बनाएंगे उसमें भी इलायची पाउडर डालेंगे। और ये खजूर है, हम चीनी की जगह खजूर का यूज करेंगे, आप चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, कुछ भी। मैं इसमें मैंने खजूर को थोड़ा सा काट के रखा है, इसके बीजे निकाल लीजिएगा। ये देखिए ये फीलिंग हमारी बस तैयार होने वाली है। बहुत ही टेस्टी हमारे रसगुल्ले बनने वाले हैं, बस 5 मिनट में फिलिंग तैयार हो जाएगी। आदर्श जी थैंक यू, कैसे हैं? बस देखिए इसको फिलिंग, फिलिंग तैयार हो गई। ये हम कैसे जानेंगे, एकदम थोड़ा ऑयल छोड़ने लगेगा तो हम समझ जाएंगे, और थोड़ा अपना कलर ही चेंज कर देगा।
तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये फीलिंग, इसकी जो हम रसगुल्ले की फीलिंग है वो तैयार हो गई है। देखिए बस तैयार होने वाला है। ये देखिए फीलिंग हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। देखिए इसमें बिल्कुल भी अब मॉइस्चर नहीं है और इसने अपना कलर चेंज कर दिया है थोड़ा सा। अपने आप ही पता चल जाता है कि ये फीलिंग तैयार हो गई है, कलर इसने अपना चेंज कर लिया है। अब इस स्टेज पे हम अपने गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल देंगे, क्योंकि गरम गरम फीलिंग जो है हम भर नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ये देखिए फीलिंग तैयार है और ठंडा होने के लिए हम रख देंगे इसको। अब इधर जो है हम चाशनी ऊपर तक चढ़ा देते हैं और इधर रसगुल्ले, इधर देखिए चाशनी जब तक हम अपनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए ये देखिए हमने चीनी एक कप चीनी लिया है, चीनी को इसमें डाल देंगे। और इसी में एक गिलास, छोटे गिलास से पानी डाल देंगे, एक कप मान लीजिए, एक कप पानी डाल दिया और गैस को ऑन कर लेंगे। ये हमारी चाशनी हम तैयार कर रहे हैं। चाशनी हमारी एक तार की चाशनी बनाएंगे हम, जब तक हमारी फीलिंग जो है ठंडी हो जाएगी फिर हम रसगुल्ले बनाएंगे। तो ये देखिए एक तार की चाशनी, इसमें हम क्या क्या ऐड कर देते हैं, इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे इसमें। केसर के धागे जो हैं इसमें थोड़े से ऐड कर देंगे। और इसमें एक उबाल आने देंगे। चलिए अब हमारा ये चाशनी हमारी इधर हम चढ़ा देते हैं, दूसरी तरफ चढ़ा देते हैं, इधर हमारी चाशनी बनेगी। अब हम फटाफट अपने रसगुल्ले तैयार करते हैं। तो ये देखिए कढ़ाई हमने चढ़ा दी। अब इसमें हम अमूल का देसी घी डालेंगे। ये देखिए अमूल का देसी घी डालेंगे। ये अमूल का देसी घी है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। रसगुल्ले हम अमूल के देसी घी में बनाएंगे। घी को गर्म होने देंगे और इधर देखिए हमारा डो हमने रेस्ट करने के लिए रखा था वो भी हमारा तैयार है। अब फटाफट हम रसगुल्ले बना लेते हैं। फीलिंग भी हमारी ठंडी हो गई है। तो अब देखिए इसकी छोटे छोटे लोइयां बना लेते हैं।
ये डोसे छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। और हम अभी शेप रसगुल्ले का जो शेप है आप लोग दो तरह से बना सकते हैं, लंबे भी बना सकते हैं और राउंड शेप में भी। तो मैं लंबे बनाऊंगी, लंबे में थोड़ा सा अलग ही अच्छा टेस्ट आता है और अच्छा लगता है, तो मैं लंबे स्टाइल में बनाऊंगी। और देखिए इसको लंबे में ऐसे किया और इसमें फिलिंग भरेंगे। ये देखिए, ये मैंने नारियल जो हमने ग्रेट नारियल का जो मिक्सचर बनाया था दूध के साथ, वो हम इसके अंदर भर देंगे। भरने के बाद ये देखिए अच्छे से इसको आटा बहुत ही अच्छा हमारा तैयार हुआ है और इसी तरह से सब बना के रख लेंगे। ये देखिए शेप हमने इसको ये दिया हुआ है। इधर देखिए चाशनी भी हमारी हो रही है, एक तार की चाशनी हमें तैयार करनी है तो दो चार हम और बना लेंगे। आप लोग बताइए हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। ये देखिए इसके अंदर हम इसकी फिलिंग करेंगे, ये कोकोनट की फिलिंग है, इसमें शकरकंद जो है स्वीट पोटैटो में कोकोनट की जो फिलिंग होती है, मावा कोकोनट की फिलिंग बहुत ही यमी लगती है। और ये जो हम लोग खोए के रसगुल्ले खाते हैं उससे भी बहुत ही अच्छे ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये, आप लोग ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। इन रसूदी शेप आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं इनको, पर ये थोड़ा सा लंबा शेप देने में बहुत ही यमी बनता है। ये देखिए इसको भी अभी एक दो और बना लेते हैं। और चाशनी देखिए इधर हमारी बनकर तैयार हो गई है, एक तार की चाशनी हमने बनाई है। ये चाशनी भी देखिए हम चेक कर सकते हैं, चाशनी हमको एक तार की ही चाशनी चाहिए, अभी थोड़ा सा और होगा जब तक हमारा ये रसगुल्ले। ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है और हम इसको गैस को स्लो कर देंगे और इसमें डाल देंगे तलने के लिए, धीमी आंच पे इसको तलेंगे। ये देखिए ये देखिए जब एक तरफ से हो जाएगा तब हम इसको देखिए देखिए रसगुल्ले भी हमारे अभी बहुत ही सुंदर कलर आएगा इनका। ये देखिए इसमें भी फिलिंग कर देंगे कोकोनट की।
देखिए थोड़ा सा इस धीमी स्लो आंच में तलते हैं। हेलो मीनू जी, कैसे हो? और इधर देखिए चाशनी भी हमारी तैयार हो गई है। ये हमने एक तार की चाशनी बनाई है और देखिए इसमें केसर का कितना सुंदर कलर आया हुआ है। बस देखिए इसको धीरे से पलट देंगे। आंच का आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर हम बहुत तेज आंच में इसको पकाएंगे तो ये जलने का डर हो जाएगा, डर जाएगा, जल जाएगा। और ये देखिए शेप हमारा, बस ये भी ये देखिए कलर देखिए। अब देखिए कुछ ही देर में ये एकदम गुलाब जामुन के कलर में आ जाएगा। और इधर देखिए हमारी चाशनी भी बनकर तैयार हो गई है। ये हमने एक तार की चाशनी बनाई है और इसमें देखिए हमने केसर का यूज़ किया है तो कितना सुंदर कलर आया है हमारी चाशनी का। और इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देते हैं। चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है और अब देखिए हमारे ये गुलाब जामुन जो है हम तल रहे हैं। इस पर आँच का बहुत ही ध्यान रखना है। अब देखिए ये भी हमारे गोल्डन कलर के हो रहे हैं। मीनू जी ये हम शकरकंद के रसगुल्ले बना रहे हैं। देखिए बहुत ही डेलिकेट होते हैं इसलिए इसको आराम से तलना होता है। ये देखिए अब चाशनी को हम एक पैन में पलट लेते हैं। बस अभी हमारे पास ये रसगुल्ले जो हैं बस कुछ ही देर में गोल्डन कलर के हो जाएंगे और फिर हम इसको चाशनी में डाल देंगे। अगर मेजरमेंट आपका गलत रहेगा तो ये क्या है रसगुल्ले सब फटने लगेंगे, इसलिए मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा।
जैसे आपने दो जो जितनी भी शकरकंद लें उसको मैश करने के बाद उसको तीन भागों में डिवाइड कर दीजिए। उसका एक भाग आप मैदा या आटा जो भी आप उसमें मिक्स करना चाहें मिक्स करिए। जब हम लोग खोए के रसगुल्ले भी बनाते हैं तो हमारा मेजरमेंट यही मेजरमेंट चलता है। हम क्या करते हैं, जितना हमारा खोआ होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको तीन भाग में डिवाइड कर देते हैं और फोर्थ वाला जो एक पार्ट उसका हम आटा जो भी मैदा जो भी कुछ भी हम मिलाना चाहते हैं मिला लेते हैं। अब इस मेजरमेंट से आप बनाएंगे तो आपके रसगुल्ले कभी भी फटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो मैं तो हमेशा इसी मेजरमेंट से बनाती हूँ, आप लोग भी इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपके रसगुल्ले बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनेंगे। तो देखिए हमारे रसगुल्लों ने अपना कलर चेंज कर दिया है और देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं और जितने खूबसूरत के साथ साथ ये यम्मी भी लगेंगे। अब देखिए कुछ ही क्षणों में ये हमारे रसगुल्ले तल जाएंगे और हम इनको चाशनी में ऐड कर देंगे। अब देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, टाइम जब लगता है तो चीज़ बहुत अच्छी बनती है, तैयार भी बहुत अच्छी होती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो खाना बनाने का काम एक पेशेंस का तो वैसे ही है कि जब हम खाने में काफ़ी टाइम लगता है, तैयारी करो, सब्जी काटो, ये करो, अगर तुम मिठाई बना रहे हैं तो फिर मिठाई नाम ही है मिठाई है, रसगुल्ले, तो फिर टाइम तो लगेगा ही। अब बस देखिए, बस अब हमारे रसगुल्ले तैयार हो गए हैं और अब हम इसको अब एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, एक एक करके हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, और इसको गरम गरम ही हम चाशनी में ऐड कर देंगे। ये देखिए, और देखिए अब ये चाशनी हमने बनाई है इसमें इसको ऐड कर देंगे हम। इसको 2-5 मिनट्स तक इसमें रखेंगे चाशनी में डालकर। बस इसको 2 मिनट के लिए, क्योंकि लाइव है तो हम बहुत देर तक तो अभी रख नहीं पाएंगे, बस इसको 2 मिनट के लिए हम इसमें डिप करके रख देते हैं, जब तक हम प्लेटिंग की तैयारी कर लेते हैं। और जब तक इसमें फिर 2 मिनट हो जाएगा, तो देखिए हम प्लेटिंग की तैयारी कर लेते हैं। अब देखिए हम प्लेटिंग 2 मिनट हो गए हैं, अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। आदर्श जी थैंक यू। अब ये देखिए प्लेटिंग करने के लिए, ये देखिए मैंने एक वाइट में कर लेती हैं तो अच्छा लगेगा। ये देखिए ये मैंने प्लेट ली है, रसगुल्ले को इसमें निकाल लेते हैं। अभी मैं इसको काट के भी दिखाऊंगी आप लोगों को। और इसके ऊपर हमने जो थोड़े से हमने ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने काट के रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारे जो स्वीट पोटैटो के रसगुल्ले देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हो गए हैं।
और कितने यमी ये टेस्टी लग रहे हैं। इसके साथ हम इसकी कटिंग करके भी दिखाएंगे आपको। तो देखिए इसकी हम फीलिंग दिखाएंगे आपको कि कितने रसीले और यमी हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, और ये देखिए इसकी फीलिंग देखिए कितनी अच्छी आई है। और ये रसगुल्ले बहुत ही, आप जो बाजार के रसगुल्ले खाते हो उससे ये बहुत ही अच्छा, और देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अभी मैंने लाइव में ही बनाया है इसको, पर हमारा मेजरमेंट बहुत अच्छा था, इस वजह से हमारा ये रसगुल्ला बनकर बहुत अच्छा तैयार हुआ है। तो अब ये देखिए हमारी जो रेसिपी बनकर तैयार हो गई है, दिख रही है, हाँ हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। और हमारा लाइव कैसा लगा आप लोगों को, सब लोगों जिन 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 में लाइव देखा उनको थैंक यू, और अमूल की टीम को भी धन्यवाद बोलेंगे जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम होम मेकर्स के लिए बनाया है, कि हम होम मेकर्स जो हैं मतलब अपने घर के काम के साथ भी हम ये अपने टैलेंट को लोगों तक पहुँचा पाते हैं। एक अच्छा ये माध्यम अमूल की के प्लेटफॉर्म ने बनाया है, तो ये अमूल का प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। थैंक यू, हमारी रेसिपी कैसी लगी, और आप लोग मेरी रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। बस मेजरमेंट का जरूर ध्यान रखिएगा, आप कभी भी कोई भी रसगुल्ला बनाएं जिस चीज का भी यही मेथड चलता है, तो इस मेथड को आप जरूर यूज करिएगा, और ये स्वीट पोटैटो के रसगुल्ले बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। और इसी के साथ हम अपना लाइव समाप्त करते हैं। थैंक यू।